गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड में। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 की साइंस बुक से कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अभी तक हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द फैक्टर दैट अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ आवर टॉपिक इज़ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी में हमारा जो टॉपिक, हमारा जो फर्स्ट बोल सकते हैं कि डेफिनेशन हमारी आ जाती है, द प्रिजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। द प्रिजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल का प्रिजर्व करना और उनका जो केयरफुल मैनेजमेंट है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैम, उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे स्टेप्स ली गई हैं नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। उनमें से कुछ जो स्टेप्स ली गई हैं, जो कॉमन स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। लाइक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन, बहुत सारी सेवरल ऑर्गेनाइजेशन आर involved to in the conservation of plant and animal. Conserving the biodiversity is the duty of every human being. Biodiversity ko conserve karna pratyek human being ki duty hai. To promote conservation, government and non-government organization at local, national and international level are constantly organizing awareness program and issuing rules and regulation to protect forest and wildlife. जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि किसी, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो गवर्नमेंट जो वर्क, जो बोल सकते हो उनके जो कर्मचारी हैं, सिर्फ उनकी ड्यूटी है कि वो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करें, नहीं, ये हम सभी की ड्यूटी है। ये चीज़ अलग है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। तो इसके लिए जो बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम बना रखे हैं, बहुत सारे रूल्स इशू कर रखे हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN वर्क्स टूवर्ड्स असेसिंग द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी हो जाती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो IUCN है, ये वर्क करता है ये असेस करने के लिए कि ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस क्या है प्लांट और एनिमल्स स्पीसीज का। IUCN ने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट भी बनाई है जिसको IUCN रेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है, और ये थ्रेटन्ड स्पीसीज़ के लिए है, जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके लिए है। ये स्पीसीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 9 कैटेगरीज़। यहाँ जो IUCN रेड लिस्ट है, इसमें स्पीसीज़ को 9 कैटेगरीज़ में क्लासिफाइड किया गया है। 9 कैटेगरीज़ रखी गई हैं स्पीसीज़ की, जो थ्रेटन्ड स्पीसीज़ हैं उनके लिए। ये स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू 9 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया सच एज द रेट ऑफ डिक्लाइन, कि उनका रेट ऑफ डिक्लाइन क्या है, पॉपुलेशन साइज़ क्या है। किसी भी एनिमल और प्लांट स्पीसीज की अगर बात करें तो पॉपुलेशन साइज़ क्या है, एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि किन किन जियोग्राफिकल, मतलब जो एरिया जहाँ पर वो हैं, पाए जाते हैं, वो क्या है, उसके बेसिस पर IUCN रेड लिस्ट में जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनको 9 कैटेगरीज में रखा गया है। The main aim of the IUCN Red List is to focus the attention of conservationists towards species that are under threat of being extinct. ये सब करने का जो मेन एम है, जो मेन मोटिव है IUCN का, वो सिर्फ इतना है कि जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका फोकस उन स्पीसीज तक पहुंचाना जो अंडर थ्रीट हैं और या फिर अभी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, मतलब एक्सटिंक्शन का थ्रेट जिन पर चल रहा है, उन स्पीसीज़ को इन लिस्ट में रखना और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान उन पर फोकस करना। सो IUCN ऑल्सो पब्लिश अ कैटलॉग। IUCN ने ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है थ्रेटन्ड स्पीसीज़ की, जिसको IUCN रेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा एक कैटलॉग भी पब्लिश किया है, दैट इज़ नोन एज रेड डाटा बुक। उस कैटलॉग को क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक बोलते हैं।
which list rare species and those in danger of extinction. ये जो कैटलॉग है या हम बोल सकते हैं रेड डाटा बुक है, इसमें उन स्पीसीज को रखा जाता है जो डेंजर, जिन पर है, जो डेंजर में है एक्सटिंक्शन के, जिन पर एक्सटिंक्शन का, विलुप्त होने का खतरा पूरा बना हुआ है. तो ये जो 9 कैटेगरीज है, अब इनको वन बाई वन देखना है. देखते हैं, द 9 कैटेगरीज इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ सीटेंट स्पीसीज आर गिवन बिलो. कौन कौन सी है स्पीसीज ये? आपकी आती है नंबर वन एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त हो चुकी है, अब नहीं है, अब हमारे पास नहीं है. लाइक डायनासोर, डायनासोर जो पाया जाता था वो अब हमारे अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? एक्सटिंक्ट. सेकंड है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. थर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. फोर्थ इज एंडेंजर्ड. फिफ्थ इज वल्नरेबल. सिक्स्थ नियर थ्रेटेंड. सेवन्थ लीस्ट कंसर्न. एंड एट डाटा इफिशियंट. एंड फाइनली 9 इज नॉट एवेल्यूटेड, जिनका कोई एवेल्यूशन नहीं है. तो कौन कौन सी कैटेगरीज हो जाती हैं? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न एंड डाटा डिफिशियंट. अब इन सारी कैटेगरीज को हम वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले बात करें एक्सटिंक्ट स्पीसीज की. मैंने बताया था अभी डायनासोर के बारे में, बाकी बहुत सारी चीज़ आपको अभी देखने को मिलेंगी इसमें. स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. द डोडो बर्ड, तस्मानियन वुल्फ एंड लेब्राडोर डक आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज. ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज के हो जाते हैं, डोडो बर्ड, तस्मानियन वुल्फ एंड लेब्राडोर. ठीक है, ये जो हैं स्पीसीज, ये बहुत टाइम से अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है. एक बार फिर से देख लीजिए, स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. नेक्स्ट वन इज, सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. स्पीसीज दैट फोकस ऑन दैट फेसेस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इज नोन एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. ये सारी किस्में आती हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आती हैं. कौन सा? स्पीसीज दैट फेस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिन पर एक्सटिंक्शन का सबसे ज़्यादा रिस्क है, वो क्या है? आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती हैं. इनमें जो स्पीसीज रखी गई हैं प्लांट और एनिमल्स की, वो मेनली हैं द इंडियन घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द एशियाटिक चीता. ये सारे क्या हैं? ये हायर रिस्क पर हैं एक्सटिंक्शन के, आर एग्जांपल ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो इनको भी क्या है, IUCN ने जो है कैटेगराइज किया है, जो उनकी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है उसमें दिया गया है. नेक्स्ट हमारा आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त जो बोल सकते हैं स्पीसीज दैट फेस अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज. एग्जाम्पल हैं इसके बंगाल टाइगर, जेंट पांडा, स्नो लियोपार्ड एंड एशियन एलिफेंट. ये सारे क्या हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज के. आप डिफरेंस देखते जाएंगे, जैसे जैसे डेफिनेशंस बढ़ती जाएंगी आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर होता जाएगा. नेक्स्ट है हमारा वल्नरेबल स्पीसीज. स्पीसीज दैट फेस अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड आर कॉल्ड वल्नरेबल स्पीसीज. आप देख रहे हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज जो है, सारा क्या है? हाई रिस्क इनका है एक्सटिंक्शन का, और इनको रखा गया है इन कैटेगरीज में. तो आपका वल्नरेबल स्पीसीज में जो आपके एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं इंडियन बिसन, इंडियन रिनोसोरस एंड मैंड्रिल. तो आपका द इंडियन बिसन, द इंडियन रिनोसोरस और मैंड्रिल जो है वो आता है वल्नरेबल स्पीसीज में. एंडेंजर्ड में क्या था? एंडेंजर्ड में था आपका द बंगाल टाइगर, जेंट पांडा एंड स्नो लियोपार्ड. तो अब हम आते हैं, ये देखते हैं पिक्चर्स भी दे रखी हैं बुक में, घड़ियाल की और एशियाटिक चीता की. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज ओके. ये इतनी कैटेगरीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है जो आपके सिलेबस में है. बाकी आपकी जो बनती है वो इन्हीं से क्या होती है, रिलेट करती हुई होती है. तो ये सारी स्पीसीज आपकी 9 कैटेगरीज आपको पता चल चुका है, आपको माइंड में रखना है. एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशिएंट एंड नॉट एवेल्यूटेड. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है इसके लिए. ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ये जो
स्पीसीज़ हैं जिन पर हायर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, उनके बारे में उनसे रिलेटेड कौन सी जॉब वो अपनी पूरी कर रही हैं। तो उसमें आता है, अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया सम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको NGOs बोलते हैं शेयर द जॉब ऑफ कंजर्विंग द एनवायरनमेंट एंड विद द गवर्नमेंट। इंडिया में बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जॉब शेयर कर रही हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का, उसको संरक्षित करने का, हमारा जो बात पर्यावरण है उसको संरक्षित करने का गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं। व्हाइल सम ऑर्गेनाइजेशन एम एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, जबकि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका उन्होंने अपना एम क्या बना रखा है कि लोगों के बीच क्या फैलाना है, अवेयरनेस फैलाना है, स्प्रेड करना है अवेयरनेस को, जिससे वो समझ सकें कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो कितना हार्मफुल होने वाला है, इन जो हमारा आने वाला फ्यूचर है उसमें कितनी सारी स्पीसीज जो हैं वो हमसे दूर हो जानी है, हमें देखने को नहीं मिलनी है। तो वो अवेयरनेस फैलाने का काम किसका है, कुछ और भी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका। नेक्स्ट हमारा आता है, सम वर्क टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क हैं कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या क्या वर्क कर रही हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैं उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में को कम करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या जॉब वो कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट देखा कि इन इंडिया सम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शेयर द जॉब ऑफ कंजर्विंग एनवायरनमेंट विद द गवर्नमेंट, व्हाइल सम ऑर्गेनाइजेशन एम एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। पीपल्स के बीच में क्या अवेयरनेस स्प्रेड करना है, जिससे लोग जागरूक होंगे, वो समझेंगे कि जो ये हंटिंग वगैरह है इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, कितनी स्पीसीज जो है वो ख़त्म होती जा रही है अर्थ से। सम वर्क टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। कुछ का काम क्या है कि जो गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन सेटअप किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब वो प्रयास करना, उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। रूल एंड रेगुलेशन तो बन जाते हैं लेकिन जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तब तक क्या है, वो बेकार होते हैं। तो कुछ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस रिगार्ड में भी वर्क कर रहे हैं। स्टिल अदर्स फोकस ऑन रिस्टोरिंग हैबिटेट थ्रू फील्ड वर्क एंड सर्वे, जबकि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रहे हैं जो नेचुरल हैबिटेट हैं प्लांट और एनिमल के, उनको रिस्टोर करने में फील्ड वर्क और सर्वे के थ्रू, कि एनिमल्स का नेचुरल, ये जो एनिमल्स हैं इनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, किस जियोग्राफिकल एरिया में ये अच्छे से रह सकते हैं, उनका पूरा लिस्ट तैयार करना और उसके बारे में सारा वर्क करना। तो ये होता है हमारा जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनका वर्क। उसके अलावा सम, अगर कुछ और बात करें तो सम ऑफ द फेमस इंडियन कंजर्वेशन प्रोग्राम जो अब तक इंडिया में बहुत फेमस रह चुके हैं, जो रिसेंट पास जो हमारा निकला है उसमें उनको रिकॉग्नाइजेशन एक तरीके से बोल सकते हैं, मतलब पहचान मिली है। तो उसमें सम ऑफ द फेमस इंडियन कंजर्वेशन प्रोग्राम that have gained recognition in the recent past are Project Tiger, the Ban Mahotsav program and the Chipko movement. ये सारे क्या हैं, conservation program हैं जो environment को, हमारे plant and animal species को, biodiversity को loss होने से बचाने के लिए किए गए हैं। तो ये सारे इनकी डिटेल आपको मिलेगी, आप उनको खुद से भी पढ़ सकते हो। जैसे केस, एक केस स्टडी आपका प्रोजेक्ट टाइगर का दे रखा है, इसमें टाइगर को कंजर्व करने के लिए जितने भी जो आपके नेशनल पार्क हैं और इनका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट रिजर्व हैं जो इनके लिए बनाए गए हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो इसमें जो ये जो टाइगर हैं इनको कंजर्व करने के लिए जो रिजर्व बनाए गए हैं उसमें आपका मानस, असम, पालामू, बिहार, सिमलीपाल, ओडिशा, कार्बेट उत्तराखंड जिसको जिम कार्बेट पार्क के नाम से जाना जाता है, कान्हा मध्य प्रदेश, मालघाट महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटका, रणथंबोर राजस्थान, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ये सारे क्या हैं, टाइगर के कंजर्व, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे रिजर्व इनको बनाए गए हैं, जहाँ टाइगर रिजर्व हैं, जहाँ वो सेफ हैं, जहाँ किसी भी आउटर को जाने की, आउटसाइडर को जाने की परमिशन नहीं है फॉर हंटिंग, फॉर
एक तरीके से मतलब वो उनका नेचुरल हैबिटेट बना दिया गया है। तो ये क्या है, वर्क किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया गया है इसको, और इसमें टाइगर की सेफ्टी के लिए उनको कंजर्व करने के लिए वर्क किए गए हैं। और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 1973 में, ठीक है। इसी तरीके से हमारा चिपको मूवमेंट है जो आपका जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ से, और इसके जो प्रोग्राम जिन्होंने इसको चलाया था उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा जी, और उनके नेतृत्व में ये किया गया था, वो लीड उन्होंने लीड किया था इस प्रोग्राम को। उसी तरीके से वन महोत्सव प्रोग्राम है, तो ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, ठीक है। तो जैसे अभी टाइगर्स के लिए देखा था बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ थे, ऐसे ही जो स्पीसीज़ जो हमारा लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, उसमें जो प्लांट या एनिमल स्पीसीज़ हैं उनके लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए गए, स्पॉटेड कर दिए गए हैं, और उनमें अगर कोई भी इंटरफेयर करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए हैं, और उनको पनिश करने के लिए भी उसमें क्या है बनाया गया है। तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करते हैं। सेवरल एरियाज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी हैव ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, फौना नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल, मतलब जहाँ उनका नेचुरली वो लिव एग्जिस्ट करते हैं वो चीज़ आप किया जाती है। मैं डिफाइन कर चुकी हूँ पहले से ही इसको। तो सेवरल एरियाज रिच इन बायोडाइवर्सिटी हैव ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट रिजर्व, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन एंड सच प्रोटेक्टेड एरियाज ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन दीज एरियाज आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन एरिया में स्ट्रिक्टली क्या है, कंट्रोल्ड हैं एंड एट टाइम प्रोहिबिटेड। तो बात करें फॉरेस्ट रिजर्व की, फॉरेस्ट रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लोइटेशन। फॉरेस्ट रिजर्व वे एरिया हैं, लार्ज एरिया हैं जो फॉरेस्ट से कवर है, और वहाँ पर ह्यूमन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरीके से क्या है एक्सिबिटेड प्रोहिबिटेड हैं, वहाँ वो नहीं जा सकते। वहाँ कुछ भी मतलब वो चाहे फॉर हंटिंग, फॉर किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से वहाँ नहीं जा सकते। और ये है आपका फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो एस्टेब्लिश किए गए थे कुछ एम को लेकर कि ये पर्पज़ पूरे होंगे फॉरेस्ट रिजर्व से। तो वो पर्पज़ क्या क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, नेक्स्ट रिप्लेनिशमेंट ऑफ लॉस्ट फॉरेस्ट कवर बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं कि जो प्लांट जो ट्रीज़ कट चुके हैं, फेल डाउन हो चुके हैं, उनको दोबारा से रिप्लांटिंग करने के लिए, जिसको रिफॉरेस्टेशन आपका बोला जाता है। थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड शेल्टर मीन ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है हमारा उसको फूड और शेल्टर, उसके फूड और शेल्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर ओनली लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अलाउड। यहाँ पर क्या है, ये पूरी तरीके से क्या है बैन नहीं है कि वहाँ पर ह्यूमंस बिल्कुल नहीं जा सकते, जैसा कि फॉरेस्ट रिजर्व में बात की थी, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। तो इन इंडिया देयर आर मोर देन 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंडिया में 400 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कटिंग ट्रीज एंड हंटिंग एनिमल इन दिस एरियाज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वो पूरी तरीके से क्या है उस पर बैन लगा हुआ। नेशनल पार्क्स की बात करें, नेशनल पार्क्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एरियाज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज इन नेशनल पार्क्स इज सेवरली इज रिस्ट्रिक्टेड और नॉट अलाउड एट ऑल। अगर वाइल्ड लाइफ जो हमारी सेंचुरीज हैं उनके कंपैरिजन में बोले, क्योंकि वहाँ पर क्या है लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से वो क्या है अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है पूरी तरीके से कि वहाँ वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। बोथ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एम टू प्रिजर्व नेचुरल फ्लोरा एंड फौना इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये जो नेशनल पार्क्स की बात करें या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, इन दोनों का ही जो मेन एम है वो है प्रिजर्व करना नेचुरल फ्लोरा और फौना, जो प्लांट और एनिमल के हैबिटेट्स की हम बात करते हैं, उनको नेचुरल उनके नेचुरल हैबिटेट को क्या करना, प्रिजर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क और जू रिफर्स टू एनी पार्क, बिल्डिंग, केज, इंक्लोजर, प्रीमाइज,
इन विच एनिमल्स आर कैप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं उसको हम कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पार्क, कोई केज या इनक्लोजर, कोई भी ऐसा एरिया जो बंद हो, ठीक है, उसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं. और इसमें क्या होता है, इसमें जो एनिमल्स हैं उनको पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है. जूज प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अक्रेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल अबाउट द नीड टू कंजर्व नेचर. जो जू होते हैं वो एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने में, जिससे कि वो जो अपना नेचर है उसके कंजर्वेशन के प्रति क्या हो, अवेयर हो. उनको पता चलेगा कि इतनी सारी स्पीसीज हैं और ये थ्रीट में हैं और ये एक्सटिंक्ट होने का रिस्क है इन पर, तो उनके प्रिजर्वेशन में वो क्या करें, हेल्प करें. सम जूज सर्व्स एज ब्रीडिंग सेंटर फॉर सम रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स. कुछ जो जूज होते हैं, जू की बात करें, वो एक ब्रीडिंग सेंटर के फॉर्म में काम करते हैं एंडेंजर्ड एनिमल के, जो जिन जो फॉरेस्ट में उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते, वो उनके लिए क्या है, ब्रीडिंग सेंटर का भी काम करते हैं, जहाँ उनकी न्यू स्पीसीज, जहाँ उनके न्यू वंस बॉर्न होते हैं. बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन आर कल्टिवेटेड गार्डन एस्टेब्लिश टू कंजर्व रेयर एंड थ्रीटेंड प्लांट स्पीसीज. जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं वो कल्टिवेटेड गार्डन होते हैं जिनको स्थापित किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, जो रेयर और थ्रीटेंड प्लांट स्पीसीज है उनको प्रिजर्व करने के लिए. देर आर अबाउट 1600 बॉटनिकल गार्डन वर्ल्ड ओवर, ठीक है, मोस्ट पूरे संसार में अगर हम बात करें तो 1600 बॉटनिकल गार्डन करीब हैं. मोस्ट बॉटनिकल गार्डन आल्सो सर्व एज सीड बैंक. ज़्यादातर जो बॉटनिकल गार्डन है वो सीड बैंक का भी काम करते हैं, जहाँ जो रेयर स्पीसीज हैं प्लांट की उनके भी सीड क्या होते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, हैव रिजर्व ऑफ सीड ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट. तो ये हमारा क्या था, ये हमारा जो आज का टॉपिक था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IUCN दैट इज जिसकी फुल फॉर्म थी द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इस तरीके की जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. और इसमें जो हमारा क्या है, एक जो रेड डाटा बुक है और कैटलॉग है, इन सारी चीज़ों में कितनी 9 threatened स्पीसीज़ को रखा गया है, वो स्पीसीज़ में कौन कौन से एनिमल आते हैं, उनमें हमारे इंडिया में कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट हैं, उसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स में कितने हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी है. नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. अभी आप इस टॉपिक को एन्जॉय कीजिए. थैंक यू.